कचरा गिर रहा है, साफ कर ब्रो, ये गंदा है। गाइस मैं हूं अभ्रेश, मैं हूं अमन और हम हैं फोकस। सो गाइस आज हम लोग एक एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ। तो गाइस आज है मेरे न्यू घर की कुरान खानी। आए हाय आए हाय, बहुत मजा आ रही है। ले तो गाइस पूरा होटल बना रहे हैं। तो जो हम लोग ने रूम लिए थे, तो गाइस शादी के बाद एक प्राइवेसी चाहिए रहती है मियाँ बीवी को। तो वो प्राइवेसी आप लोग के भी बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, तुम लोग हॉल में सोते हो ये अच्छा नहीं है, पर एक मियाँ बीवी को एक प्राइवेसी मिलना चाहिए। तो गाइस यस मिलना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग 2 BHK घर देख रहे थे, लेकिन 2 BHK बारिश का टाइम था इस वजह से मिला नहीं। इसलिए मैं बोला कि अभी के लिए 1 BHK ले लेते हैं, इंशाल्लाह 2 BHK ले लेंगे तो सब साथ में मिलकर रहेंगे। तो ऐसा है कि एक ही बिल्डिंग में ऊपर नीचे, हाँ, सिर्फ रात में सोने का और सुबह उठ के चुपचाप घर पर आने का, और फिर वैसी डेली रूटीन जैसे चलता है वैसे ही चलने वाला है। तो अभी कुरान खानी है आज, तो अभी जाते हैं कुछ मीठा लेने के लिए। तो चलो काजू कतरी नहीं, देखते हैं क्या लेते हैं। तो और ये दिशान अभी नहा रहा है, तो मैं बोला जल्दी जल्दी जाके ले लो, क्योंकि मौलाना लोग बस आने ही वाले हैं और बारिश आज इतनी ज़्यादा हो रही है कि सब जगह पानी भरते जा रहे हैं। और आप लोग भी घर पे रहो, सेफ रहो, पहाड़ों पे मत जाओ। हाँ, वो बहुत ज्यादा इस बार हर साल के मुकाबले ऐसी जगह मत जाओ जो खतरा हो। हाँ, तो वही बहुत ज्यादा हर साल के मुकाबले ज्यादा इस बार डेथ हुई है। तो आप अपने घर वालों का सबका ख्याल रखो। तो भाई ये जो मैंने पहना हूँ ये मुझे गिफ्ट मिला था दुबई में, हमारी एक फ़ैन है लाइबा, उन्होंने दिए थे, थैंक यू सो मच। बहुत मैं ये दिन के लिए ही संभाल के रखा था, जिस दिन कुरान खानी रहेगी उस दिन पहनूंगा। ले चलो जल्दी जल्दी चलते हैं और लेते हैं मीठा। चलो हम लोग आ गए हैं कुछ मीठा लेने के लिए कुरान खानी के लिए। तो यहाँ पे खाजा है नहीं अभी, इतना नहीं है जितना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ ये हम लोग बचपन में खाते थे ना, वो खोपरे वाली। तो भाई एक काम करो, ये दे दो। भाई बोले 1 किलो में 22 पीस चढ़ेंगे, तो ये 2 किलो दे दो। तो देखते हैं घर वालों को कैसा लगता है, कुछ अलग रहेगा इस बार कुरान खानी में। हाँ, अच्छा रहता है। हाँ, मैं ड्रेस कैसे घर भराई के लिए कुछ दे रहा है कि नहीं दे रहा है मेरे को? घर भराई के लिए गुलाब दे देता हूँ, भर जाएगा वो, रख देना उसमें। अरे मुरझा जाएगा, ऐसा चीज नहीं जो मुरझा जाए। गुलाब दे रहा हूँ नकली, नहीं पानी। हाँ, देते पानी देने पे भी नहीं बचेगा वो, पॉट में डाल के दे दो। चलो जल्दी जल्दी दे दो भाई। मौलाना आ गए हैं कुरान खाने के लिए, तो चलो ऊपर चलते हैं और देखते हैं। अक्षर इन लोग सब, जानमा इन लोग सब लेके चढ़ गए रहेंगे। मैं यहाँ पहुँचा और बिलाल लेकर आ गया है जानमा, और जाकर नीचे से पानी वानी लेकर आ जा। और गाइज रूम टूर इंशाल्लाह जल्द ही आप लोगों को करवाएंगे कि क्या क्या मैंने रखा हुआ घर में और क्या क्या चीज़ ऐड किया हुआ, जल्दी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो पहले यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लोग भी आए हुए हैं सब कुरान पढ़ने के लिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो जल्दी जल्दी लोग पढ़ लेंगे, फिर घर की एंट्री भी करवा लेंगे। अक्षत कुरान खानी स्टार्ट हो गई है, निशान का निशान में अभी तक आया नहीं, जा रहा था ना, ही रहा था, देखा नहीं तो नीचे जाके नहीं काफ़ी जोर से नहीं गया। अरे भी ना ही था, ठीक है कोई लोग आ जाए तो अच्छा। तो बाहर अभी कुरान खानी चल ही रही है। ये बेडरूम है गाइस, बेडरूम बहुत प्यारा दिख रहा है। एक बार पूरा रेडी हो जाना गाइस, आप लोग रूम टूर ज़रूर करवाऊंगा मैं जल्द ही। तो गाइस और बच्चे आ गए हैं यहाँ पे ना कुरान पढ़ने के लिए, और साथ ही साथ निशान भी आ गया है रेडी हो के। चल बैठ जा तू भी। तो गाइस जाहिद भी आ गया है, तो सब लड़के ही आ रहे हैं क्योंकि लड़की लोग के लिए सरप्राइज है ये पूरा घर का जो भी हमने ज्यादा किया है। तो कुरान खाने के बाद सबको ऊपर लेकर आएंगे, लड़कियों को भी, औरतों को भी, घर वाले सबके बड़ों को भी, सबके लोग रिएक्शन भी करेगा। तो मेरा फ़ोन रख, आवाज़ नहीं आ रही लेकिन कुछ तो बोला। बड़ा मन भी आ गया है, और वहाँ पे बाहर अभी आ रहा है छोटा मन। लोग सब भी आ ही गए, सब ने अलग अलग कलर पहने हुए, लेकिन जब सब घर वालों को बुलाऊंगा सबको एक चीज दे दूँगा, ब्लैक या वाइट की, तो देख कर लोग कौन कौन सा क्या है कौन सा आ गया। सो गाइस मौलाना लोग के लिए पानी निकाल रहे हैं, उनको प्यास लगी है और पानी दे रहे हैं। शरबत रखा, शरबत शरबत गंगा जल।
सर सलाम स्टार्ट قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين اللهم آمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين إله العالمين مولا بندہ نوازا کریما کا سازا ہم سب نے مل کر کے قرآن پاک کی تلاوت کی درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا فاتحہ کے لیے شیرین پانی جو کچھ حاضر ہے مولا ان تمام چیزوں کے انتظام کرنے میں ہم سب کے پڑھنے میں اگر کسی قسم کی غلطی کمی کوتاہی ہو تو اپنے حبیب کے سب کے معاف عطا فرمانا ان تمام چیزوں کا ثواب سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے فوجدار ہم غریبوں کے آقا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش کر کے قبول عطا فرمانا الہ العالمین حضور کے سب کے تمام انبیاء کرام تمام شہداء اعظم صحابہ صحابیات تابعین تبع تابعین ارواح ناپودین ائمہ مستحقین بزرگان دین صلحاء صالحین سب کے روحوں کو پیش کرتے ہیں مولا قبول عطا فرما اور صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ यहाँ पर बोलना नहीं पड़ता है अपना ही घर तुम खा लो तू भी खा ले तेरा ही अल्हम्दुलिल्लाह कुरान खानी हो गई है बहुत ही अच्छे से घर की तो पार्टी ना तो गाइस बहुत ज्यादा मजा आने वाली है अभी सबको रेडी करवाते हैं नीचे कुमार के लोग रेडी हो रहे चलो फिर नीचे सबको रेडी करवाएंगे और घर की एंट्री करवाएंगे सबकी दिखाएंगे घर सबको सब औरतों लोग को ही सिर्फ रोक के रखा था मैंने बैठे हाँ चलो अभ्रेश हमेशा की तरह अपने काम पे लग गया है उसको साफ करना पड़ेगा बाद में अच्छा एक नंबर कचरा निकल रहा मेरे को मजा आ जिससे साफ करने करो करो साफ करो साफ करो कचरा गिर रहा है साफ कर ब्रो कचरा कर नया नया है बच्ची पहले घर की ओपनिंग करने दे उसके बाद किचन ला के डाल देना पहले घर की सब ओपनिंग हो जाए उसके बाद गंदा होएगा चलेगा अभी अभी पहले उस आयशा को साफ सुथरा दिखाना पड़ेगा गंदा नहीं दिखाना चलो चलो भाभी को लेके आते फटाफट सामान आना बाकी है ना अब बहुत सामान आना बाकी है अभी सेटअप यहां का सेटअप यहां का सब एक साथ रूम टूर में करवाएंगे हम फिर एक साथ रूम टूर दिखाएंगे मम्मी कुरान खानी हो गई है चलेंगे अभी ऊपर ले अरे ले खुश है ना मम्मी अरे ले चल अक्षत तू तो था नहीं तू आ गया ऊपर अच्छा काम कर रहा है चलो ठीक है तो आयशा भी अभी रेडी ही हो रही है तो वो रेडी हो जाएगी तो फिर चलते हैं और ऊपर दिखाते हैं आयशा को भी घर और सबको घर की औरतों को भी घर दिखाते हैं ले मम्मी एक और घर अरे ले मेरी बीवी क्या कर रही है अरे ले घर रेडी है एक्साइटेड है ना बहुत ज्यादा अभी अपन सब हाँ पार्टी तो हो रही है मम्मी घर सब घर वालों को अपन बोलेंगे कि आ जाओ दावत है नवे घर की है ना सबको पूरे घर वालों को बुला लेंगे ठीक है चलो देखते हैं कौन कौन आता है ना
एक कुछ एक धोखेबाज है गाइस, हम लोग के घर में है एक धोखेबाज जो घर वालों को लेकर आता नहीं है वो। अरे अरे वो येलो कलर में कौन है पता नहीं गाइस, अमन करके है ना, आ जाता ना हमेशा घर वाले को लेके नहीं, तू आता ना घर वाले को लेके क्यों नहीं आता है तो गाइस शोएब और अमन को भी, अमन के घर वाले को भी बोलेंगे, लेकिन देखते लोग आते कि नहीं, क्योंकि इन लोग हमेशा कभी इन लोग लेके नहीं आए, इन लोग को यहाँ पे आते हैं शादी की दावत देने के लिए और फिर चले आते हैं, ऐसा रुकने के लिए आते नहीं, देखते हैं इन लोग कल आते हैं कि नहीं आते। तो गाइस आयशा रेडी हो रही है यहाँ पे, ये मेरी परी, अये है मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरी बीवी। हाँ बेबा बहुत प्यारे दिख रहे हो। ये रिबिन है घर के इनॉग्रेशन के लिए, तो जो घर का इनॉग्रेशन करने वाला है या वाली है तो वो बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी है गाइस, बहुत ज्यादा स्पेशल, उतना ही बड़ा लेने का ना, बहुत ज्यादा स्पेशल इंसान को मैं बुला रहा हूँ ये इनॉग्रेशन के लिए, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाली है, वो आप लोगों को थोड़ी देर में बताता हूँ। चलो चलते ऊपर, चलो बीवी रेडी हो गए, अरे है मेरी बीवी, जल्दी चलो बेबा सब रेडी हो गए हैं, चलते हैं और दिखाते हैं आयशा को रूम की, रूम कैसा है, आयशा का रिएक्शन कैसा रहेगा। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो चीज़ सोच के कि मैंने जैसा सब चीज़ें लिया हूँ वो और कलर किया हूँ वो चीज़ आयशा को पसंद आएगी कि नहीं आएगी, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और यार ले मेरी बीवी क्या तैयार हुई है माशाल्लाह, है चलो चले कोई हमसे जीत न पाए, चले चलो जल्दी चलो। तो बेबा कैसा लग रहा है, एक्साइटमेंट दिखाओ। तो फिर तुमको क्या लगता है मैं कैसा सजा रहा हूँ, जैसे तुमने वादा किया, कैसा कैसा वादा किया? अच्छा, अरे बाप रे, चलो हम लोग पहुंच गए हैं अपने घर के बाहर। बेबार ले ले, अच्छा रुक जा रुक जा रुक जा, अभी दरवाजा मत खोल क्योंकि आयशा को दिख जाए। बेबा तुम एक काम करो, वहां दरवाजे के पीछे हाँ ले पकड़ मोबाइल, पहले इसको ना छुपा देता हूँ, उसके बाद देख लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मम्मी आप ही आओ, ए मां इधर आओ, इधर आओ, चलो मम्मी को लेके जाना। हाँ मम्मी चलो सीढ़ी पे चलो, दिखाते हैं और सब चीज वो करके के बाद दिखाएंगे। दरवाजा तुमने मत झांकना, नहीं झांकना नहीं, दरवाजा बंद करो। तो गाइस रिबिन बांध देता हूँ ताकि रिबिन कट करके आयशा अंदर घुसे तो बहुत अच्छा लगेगा उसको, और रिबिन जहाँ पे रिबिन जिसे काटने वाली है वो अभी आप लोगों को दिखा दो। कौन आया है ना, अमन और वो है ना तो ये दिखेगा ना बेडरूम तो नहीं दिखेगा ना। चलो देखते हैं लोग का रिएक्शन, मम्मी लोग को बुला लेता हूँ, हमारे लोग बस ऊपर चढ़ी रहे है ना। चलो स्टार्ट, तो चलो गाइस दिखाइए दरवाजा बंद कर, अमन रुक जा रुक जा रुक जा, अमन मम्मी और डैडी भी आ गए, आ गए ना, मैं ही आया हूं, आओ मम्मी मानी गए, आ रे आ रे आ रे, देखो मत उधर देखो मत, आ जा अमन जल्दी। पर भाई सबको पीछे लाइन से खड़ा करवा रहे, पता नहीं क्या करवा रहे, आ जाओ आ जाओ, वेलकम